नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। चुनावी अखाड़े में कई राजनीतिक पहलवानों के नाम चल रहे हैं। पिलखुआ के मोहल्ला कृष्णगंज आर्यनगर में जाकर जब लोगों से पूछा गया कि चेयरमैन पद को लेकर किस किस के नाम दौड़ में हैं, तो उन्होंने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे हिसाब से दसियों नाम हैं जो चेयरमैनी पद के अपने आप को दावेदार बता रहे हैं, लेकिन शासन किस प्रकार की सीट घोषित करेगा ये तो शासन के ऊपर निर्भर है, लेकिन नाम दसियों से ज़्यादा हैं जनरल के ऊपर। और अगर दूसरी सीट होती है तो जब देखा जाएगा कि क्या होता है, कौन खड़ा होता है कौन नहीं होता है। टॉप थ्री नामों में तो सुनील गर्ग जी हैं और चेयरमैन साहब तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे जो वर्तमान चेयरमैन हैं। दूसरे प्रवीण प्रताप राधे जी हैं और एक हमारे वार्ड के सभासद हैं अंशुल मित्तल जी, वो भी अच्छे दावेदार हैं चेयरमैनी पद के लिए। भाई साहब, एक तो हमारे जो है घास मंडी की तरफ रहते हैं राधे भैया, एक जो है सुनील गर्ग जी हैं, एक अंशुल है, एक अंशुल जी भी, और एक जो है एक वो भी है आशु ठेकेदार, एक हाजी आबिद भी आ रहे हैं। चेयरमैन तो हमें ऐसा चाहिए जो क्षेत्र का विकास कर सके और जो है एक आम आदमी की समस्याओं का निवारण कर सके, ऐसे ही चेयरमैन चाहिए। लगभग का सुधार करने वाला सही इंसान चाहिए। नाम तो बहुत सारे सुन रहे हैं, अभी फाइनल कोई नहीं हुआ है, मगर लेकिन चेयरमैन बदलने से ज्यादा व्यवस्था बदलनी चाहिए। चेयरमैन तो बदलते आए हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। अब शहर में है वह पानी भर जाता है जरा सीधी बारिश पड़ते ही। देखो जी, एक तो मोनू जी का नाम सुन रहे हैं, अंशुल मित्तल, अरे एक इनका क्या नाम है, प्रेम प्रताप राधे जी का सुन रहे हैं, और एक ये सुनील गर्ग, इनका नाम भी सुन रहे हैं, और वर्तमान वाले चेयरमैन ये भी नीटू जी। मैं नहीं पद के लिए आपका इस बार 20 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और राधे भैया हैं और भी कई सारे जने हैं, चेतन चौहान हैं और कई सारे भाई हैं, 20 हैं, सुनील भाई हैं, मुकुट लोहे वाले के लड़के हैं, 20 आदमी हैं मेंबर उसमें चेयरमैन नहीं पद में। लेकिन आपका पिलखवे का ये मत है कि जो भी काम पे ध्यान देगा, शिक्षा विभाग पे, सफाई बिल्कुल नाले की इस बार हुई नहीं है, पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ नाले अटे पड़े हैं भाई साहब, पानी बारिश का पानी जरा थी बारिश में पानी दुनिया भर का रुक जाता है और सारी पब्लिक जनता को पूरा परेशान है, इसलिए जो कोई काम करेगा आपके वोट उसे ही दिया जाएगा। देखिए, हर लोकतंत्र में या किसी भी प्रक्रिया में हर व्यक्ति की यही अभिलाषा होती है कि उसके लिए एक अच्छा अनुभवी योग्य क्षमतावान कर्मठ जनप्रतिनिधि हो, इसलिए वेका के लिए जो है वो काम करे, ऐसा जज्बा हो उसमें, और अनुभवी हो तो बहुत ही बढ़िया है।